दोस्तों नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे से डिजाइनदार नमक पारा। अभी हमने इधर मैदा ले लिया है 300 ग्राम। अब इसमें हम थोड़ा से कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अजवाइन डालेंगे, इसको हाथ से थोड़ा से रगड़ देंगे ऐसे। अजवाइन डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इसमें रिफाइंड डालेंगे खस्ता करने के लिए। आप घी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैदे का आटा लगा के सेट कर दिए हैं। देखो कितना अच्छे से सॉफ्ट है। अब हम इसको सेट कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे, सेट हो जाएगा आटा। हमने छोटी सी लोई ली है। अब इसको गोल करेंगे। गोल करके इसकी रोटी जैसे बड़ी हम बना लेंगे। अभी हमने देखो रोटी सी बड़ी सी बना के तैयार कर दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। पूरी बराबर 2 बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा से और बेल लेंगे, क्योंकि ये किनारी हल्की सी मोटी हो जाती है कट करने से। अभी हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। ऐसे दूसरा भी हम कट करेंगे। इधर मैदे और पानी को मिक्स करके इसका घोल बनाया है। अब ये घोल को हम इसमें लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे रखेंगे। हमें हाथ से लगाना है इस पर। हाथ से लगाएंगे तो अच्छे से लगेगा। एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। अब हम इसको रोल करेंगे हल्का हल्का, ज्यादा नहीं दबाना है, ऐसे आराम से रोल करेंगे। इसको हल्का से हम ऐसे सेट कर देंगे, दबा देंगे जॉइंट। चाकू की सहायता से इसको हम बड़े आराम से धीरे धीरे कट करेंगे, नहीं तो जो इसमें लेयर है ना एक दूसरे से चिपक जाएगी। का हल्का से खोलेंगे, अच्छे से गुलाब बनके तैयार होगा। ज़्यादा नहीं खोलना है, क्योंकि जब हम ये फ्राई करेंगे तो और अच्छे से ये खुल जाएगा। अब हम इसमें एक लेवांग डाल देंगे, क्योंकि ये लेवांग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। फ्राई करेंगे तो इसका महक बहुत अच्छा आएगा। देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम दूसरी डिजाइन बनाने जा रहे हैं। डिजाइन बनाने के लिए हमने इसको भी रोटी की तरह हम बेलेंगे। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमने इधर 2 कट लगाना है ऐसे। एक कट इधर लगाएंगे सीधे उसी पे सामने ही। फोल्ड करेंगे इसको। अब इस पे हम थोड़ा से जो घोल बनाए थे उसको लगाएंगे। फोल्ड करेंगे, पलट देंगे इधर साइड, इसको सेट कर देंगे ऐसे। ये देखिए अच्छी डिजाइन बनके तैयार हो गई है। ऐसे हम सारा बना लेंगे। डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तीसरी डिजाइन बनाने के लिए हम इसको कट करेंगे ऐसे। थोड़ा थोड़ा बीच में गैप छोड़ देंगे, नहीं कट करना है। हमने जो घोल बनाया था उसको लगाएंगे। एक कोना लेंगे, इस पर चिपका देंगे। फिर हम दूसरा कोना लेंगे, इस पर चिपका देंगे। तीसरा लेंगे, इसको भी चिपका देंगे। चौथा भी चिपका देंगे। इसके ऊपर हम एक काली मिर्च चिपका देंगे अच्छे से। देखिए अब हमें चौथी डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसको कट करेंगे ऐसे। इसको हमें तिकोना कट करना है ऐसे करके। अब इसको हम रोल करेंगे। हमें मोटे वाले साइड से पहले करना है ऐसे। इस पे थोड़ा से हम पेस्ट लगाएंगे जो बनाए हैं। इसको चिपका देंगे ऐसे। एकदम अच्छे से डिजाइन बनके तैयार हो गए। ऐसे हम सारा बना लेंगे। अभी तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक एक करके। इसके साथ इसको भी डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा पतला है तो अच्छे से हो जाएगा। अभी देखिए कितना अच्छा से खिला खिला फूल बन गया है। ये अच्छे से हो गया है फ्राई। अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी हमने दोबारा डाल दिया है। ये दूसरी डिजाइन है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कैसे फूली फूली हो रही, फ्राई होके एकदम। अभी हमने 4 डिजाइन के नमक पारे बना के तैयार कर।